हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विद दीपा में। आज हम बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी आलू की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनती है। ये कमल ककड़ी है जिसको हम सिंधी में बी भी कहते हैं, बी आलू की सब्जी। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी बनती है गाइस। जिनको कमल ककड़ी पसंद नहीं आती, आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी लगेगी, उंगलियाँ चाट कर खाएंगे। तो रेसिपी को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे। तो ये मैंने 4 से 5 छोटे आलू लिए थे, इनको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। ये धनिया है, ये एक हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के, उनको मैंने बारीक पीस लिया है। ये देखिए कमल ककड़ी है, ये एक कटोरी के करीब कमल ककड़ी है, और मैंने इसको इस तरीके से धोकर अच्छे से छीलकर काट लिया था इस तरीके से। उसके बाद ये 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ की, इसकी प्यूरी मैंने बना ली थी। ये गरम मसाला है, उसके अलावा ये नमक है और ये लाल मिर्च है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, कुकर में मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। गैस ऑन कर लेते हैं हम। ये गैस ऑन कर लिया मैंने। अब ऑयल जैसे ही गर्म होगा, हम सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का ब्राउन कलर का हो गया है। ये देखिए ये हल्का ब्राउन कलर का हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें सबसे पहले मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको घुमा लूँगी लाल मिर्च डाल के, ताकि प्याज में लाल मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून गर्म मसाला डाल रही हूँ। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला, फिर इसे घुमा लेंगे। अब घुमाने के तुरंत बाद मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। ये देखिए टमाटर डाल के इसे घुमा लेंगे। इस तरीके से अब क्या करेंगे, इसे तब तक रखना जब तक कि इसका तेल ना निकलने लग जाए। तब तक हमको इसको रखना है जब तक इसका तेल निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसका तेल निकलना चालू हो गया है। देखिए किस तरीके से तेल अलग हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो हरी मिर्च थी ये इसमें डाल देती हूँ, और 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल रही हूँ। अब इसे घुमा लेंगे। अब घुमाने के बाद जो हमारे ये कमल ककड़ी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से सारे, ताकि मसाले इसमें मिक्स हो जाए। मैंने इसे मिक्स कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसे, इसी कुकर का जो ये जो ढक्कन है, इस तरीके से मैं इसे बंद कर दूँगी। इस तरीके से थोड़ा खोल दूँगी, ताकि क्या है कि ये जो अंदर हमारी जो कमल ककड़ी है वो अच्छे से भुन जाए। लो फ्लेम पे इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए इस तरीके से ढक्कन लगा के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दिया था। देखिए देखने में ये कितनी सुंदर लग रही है। अब क्या करेंगे इसमें कि इसमें मैं, ये देखिए गिलास है, मैं इसको आधा गिलास जो है मैंने भरा हुआ है ये, अब मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। एक बार घुमा लेंगे। बाकी पानी और डाल देती हूँ, ये डाल दिया, फिर घुमा लेंगे। अब क्या करूँगी मैं कि मैं इसको ढक्कन बंद करके 5 से 6 सीटियाँ लगाऊंगी। आलू मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि क्या है कि आलू तो जल्दी पक जाते हैं, लेकिन जो कमल ककड़ी है वो पकने में बहुत टाइम लगाती है, तो इसलिए मैं आलू को बाद में डालूंगी। मैं 5 से 6 सीटियाँ अभी इसको लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 5 से 6 सीटियाँ लगा ली थी। देखिए अब मैं क्या करूँगी कि वापस से गैस ऑन कर लूँगी। गैस ऑन कर लेते हैं। अब क्या करूँगी मैं, ये जो आलू थे हमारे वो इसमें डाल देती हूँ। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। डालने के बाद आलू और हमारी कमल ककड़ी को, अब मैं इसको क्या करूँगी, जैसे पहले मैंने कमल ककड़ी को 2 से 3 मिनट के लिए रखा था,
ऐसे तरीके से ढक्कन लगा के इसी तरीके से मैं इन दोनों को भी रखूंगी, 2 से 3 मिनट के ढक्कन लगा के। इस तरह ढक्कन थोड़ा खोल दीजिएगा, लो फ्लेम पे रखेंगे हम इसे ताकि दोनों का स्वाद जो है वो मिक्स हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए रख लिया था। देखिए सब्जी अच्छे से भुन गई है बिल्कुल। अब क्या करेंगे इसमें कि 1 गिलास के करीब, 1 गिलास है पूरा, इसके करीब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद अब इसे हमें 3 से 4 सीटियाँ लगानी है ढक्कन लगा के, उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 3 से 4 सीटियाँ लगा ली थी, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए। तो आइए हम इसे सर्विंग बोल में डाल लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसे निकालेंगे और इसमें डाल लेते हैं। इस तरीके से हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। अब मैं क्या करूंगी कि इसमें ऊपर से इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी लाजवाब सब्जी लग रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी न्यू रेसिपीज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।